नमस्कार दोस्तों, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मानवी शर्मा। आज मैं आपके लिए लाई हूं एक चटपटी खबर। बॉलीवुड सेलिब्रिटी सलमान खान दोस्तों, हाल ही में इन्होंने अपनी एक मूवी रिलीज़ की थी। मूवी का नाम पहले रखा गया था लव यात्री, लेकिन इससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, पूरी जनता में बवाल मच गया। इस मूवी को लेकर बहुत सारे दंगे हुए। इस दंगे में पता चला कि ये गुजराती लोगों का मजाक उड़ाने के लिए मूवी बनी है। हालांकि ये मूवी गुजराती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी रोमांचिक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जैसे गरबा, डांडिया, अन्यथा बहुत सारी चीज़ें। पूरी मूवी ही गुजराती है, गुजरातियों के दिल में ठेस पहुँचा रहे हैं, तो इस बात पर दंगा हो रहा था। इसलिए हमने इस मूवी का नाम लव यात्री से लव रात्रि रख दिया। अब हाल ही में सुनाई दे रहा है कि सलमान खान ने इस मूवी का नाम लव यात्री से लव रात्रि कर दिया। सलमान खान का कहना था कि वो किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे, वो बल्कि एक गुजराती कल्चर को इस मूवी में दिखाना चाहते थे। वो बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि उनकी इस मूवी की वजह से किसी को ठेस पहुंचे या कोई किसी को परेशानी हो, तो अगर इस चक्कर में उन्होंने ये मूवी बनाई। और जो अब ये रिलीज़ होने वाली है, हाल ही में आपको बता दें, और इस मूवी की जानकारी के लिए बता दें, इस मूवी में बहुत सारे रोमांचक हीरो नज़र आएंगे, जैसे सूरज पंचोली, आयशा शेट्टी और एक दोस्त का बेटा, और साथ ही साथ बहन का लड़का यानी आयुष, जो इस मूवी में काम करेंगे। लेकिन क्या ये मूवी हिट होगी? क्या इस मूवी के लिए सलमान खान जेल जाएंगे या वापसी होगी सलमान की? या ये मूवी लोगों के दिलों पर इतना राज कर देगी कि सलमान को जेल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े? तो दोस्तों, अपने सिनेमा घरों में ज़रूर देखना ये मूवी लव रात्रि। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, इससे आप हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस जल्द से जल्द देख पाएंगे। और दोस्तों, अभी मैं चलती हूँ। नमस्कार।